हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और सबसे पहले तो हैप्पी वीमेंस डे। और मैं आपको बता दूं कि AKB हैं इंडियन डेंटिस्ट रैपर, उनका आज एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। और ये जो सॉन्ग है ये वुमन एम्पायरमेंट इंस्पायरिंग सॉन्ग है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेकआउट जरूर करना। और इस सॉन्ग को बनाया हुआ है ड्रॉप आउट मीडिया ने, जिस टीम ने मतलब कि एमिवे और लोका का जो सॉन्ग है नो लव उसको बनाया हुआ था। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है लोका की तरफ से। तो लोका और मुफाड अपने इंस्टाग्राम पर लाइव हुए थे और उन्होंने वहां पर बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, मुफाड एक्स लोका कब आएगा। साथ ही लोका ने रिप्लाई दिया हुआ था MC स्टैन के साथ कोलैब के बारे में। साथ ही जो लोका हैं उन्होंने हेटर्स को भी जवाब दिया हुआ है, तो आप खुद देख सकते हो उन्होंने क्या कहा हुआ है। शूट पूरा हो चुका है और बहुत भारी शूट है, भीगी आगे का मतलब कुछ अलग ही जोन में वो गाना बना है, तो तुम लोग जरूर गाने को देखना और शेयर करना। इंडिपेंडेंट और अंडरग्राउंड हिप हॉप ऑर्गेनिक हिप हॉप की वजह से कुछ अलग ही सीन बना के निकाल दिया, मतलब म्यूजिक भी पूरा अलग है, ये टाइम का वीडियो कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है और ऊपर से अपनी EP का ट्रैक है भाई। कौन सा आर्टिस्ट है जो EP धड़ाधड़ ड्रॉप करते जा रहा है, कुछ नया लेकर आ रहा है, कोई है ऐसा? शाउट आउट टू MEA बंटाई, बंटाई की पब्लिक, बंटाई तो है ही। बंटाई जब मैं बात करता हूँ तभी हम लोग दोनों साथ में अब्रो, मैं उसको हम लोग के अलावा कोई आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो तुम लोग ऐसे नाम लो जो कर रहे। बंटाई तो डेफिनेटली कर रहे, बंटाई तो हमेशा से था, लेकिन जब भी मैं लाइव आता हूँ ब्रो तो पब्लिक फटे पूछती रहती कि मुफाड और लोका का क्या है, मुफाड और लोका कब आ रहा है। और फिर वापस मेरे को पब्लिक मैसेज भी करती है कि भाई मुफाड को क्या हो गया है, मुफाड ट्रैक नहीं निकाल रहे ये वो। तो मैं मुफाड से जानना चाहता हूँ आज लाइव में, इतने सारे पब्लिक है कि मुफाड क्या बोलना चाहता है कि अपना ट्रैक कभी आ, तो तुम लोग मुफाड को पूछो क्योंकि वो मुफाड और लोका का ट्रैक है, मुफाड एक्स लोका। सो मुफाड के पास डेट्स है और मुफाड के पास वाइब है, मुफाड के पास गाने बीट्स है और बहुत कड़क वाइब है वो। पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक, रिकॉर्ड होना बाकी है, बट बीट ही इतना कड़क है कि पब्लिक अगर बीट का हम लोग 5 सेकंड भी ड्रॉप डाल देंगे ख़त्म है सिलसिला। और बाकी पब्लिक पूछ रही अपने को कभी आ रहा है अपना गाना कुछ, कुछ तो मैं वही उसी बारे में मैंने सोचा चलो लाइव आता हूँ साथ में तो बता देंगे थोड़ा बहुत क्या चल रहा है ना। पर एक नंबर तो अभी क्या है कि एक म्यूजिक वीडियो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं अभी रिलीज नहीं कर रहा हूँ, तो लाइन अप करी हुई है कुछ चीजें मैंने, तो उसके हिसाब से ही अभी ऑडियो भी मैंने तुम्हें बताया था कि पूरा नहीं हुआ है, तो मैं अभी बैठ में थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरा, बट आई एम लाइक जस्ट गोना रैप दिस। ये सब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ 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 डेट, कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ एस्टिमेशन की अपन लोगों को ऐसे क्लूलेस ही छोड़ते, क्योंकि बोल देते ना फिर पब्लिक पटे चढ़ जाती है पूरा टाइम DM जाते। क्या डेट है आज? 7 मार्च ना, पॉसिबली मार्च में मैं मुंबई आ रहा हूँ, सो क्या बात है, यू कैन गेट द आईडिया ना कि कर सकते हैं हम। तो जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जो लाइव देख रहा है, तुम लोगों ने सुन लिया है और तुम लोगों को पता चल गया अभी क्या होने वाला है, तो और इनफैक्ट बंटाई ने भी सुन लिया है ट्रैक और बंटाई को बहुत जल्दी, तो जल्दी ही आने वाले। सो हेटर लोग, तुम लोग आके खाली कमेंट बढ़ाते रहो, इधर कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो और देखते रहो व्यूज, तुम लोग हम लोग के एल्गोरिथम और अच्छे होते हैं। और तुम लोग वही लोग हो जो बाद में जाके एकदम फैन हो जाते हो भाई, हेट करते हो सामने सामने, जब भी अपनी पब्लिक के साथ बैठे रहते हो हेट करते हो, और जब भी तुम लोग दूसरी पब्लिक के साथ जाते हो ये ब्रो मेरे पास एक नया आर्टिस्ट है, सुने क्या लोका म्यूजिक, इसका नया गाना आया है, राड़ा है राड़ा है, वो मचा दिया। तुम लोग ऐसे लोग हो ब्रो, तुम लोग यार बात करके क्या फायदा। MC स्टैन तो मचा रहा है ब्रो, बहुत मचा रहा है, अलग ही फील कर रहा है, आएगा टाइम पे आएगा MC स्टैन एक्स लोका, सही टाइम पे आएगा नहीं क्या। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है स्टार निक की तरफ से। तो स्टार निक का आज एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है नारी, और ये जो सॉन्ग है ये डिस्ट्रैक है RCR के लिए। उन्होंने इसमें RCR के बारे में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही उस सॉन्ग के नीचे जो स्टार निक हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ था, और उन्होंने उसमें भी बहुत सारा मतलब कि लिखा हुआ है, उनको RCR को गाली भी दी हुई है, तो आप खुद देख सकते हो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, एक फोटो शेयर किया हुआ था, आप देख सकते हो, और उसमें
लिखा हुआ द रॉकेट बोट टू टेक ऑफ इन 3, 2, 1 बैंगर इनकमिंग रिकॉर्डेड दिस 1-4 बॉस्को भैया एंड अमित त्रिपाठी भैया नेक्स्ट फिल्म हैशटैग रॉकेट गैंग। तो इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था हैप्पी ह्यूमंस डे गाइस हैशटैग #DayForEveryone #Equality और नीचे उन्होंने दो पोल रखे हुए थे यस वी ऑल आर इक्वल और एक था नो वी आर नॉट। और मैं आपको बता दूं कि यस वी ऑल आर इक्वल पर 92% लोगों ने वोट किया हुआ है और नो पर 8% लोगों ने। वैसे आप नीचे कमेंट में जरूर बताना आप किस पर वोट करते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन का जो सत्या का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो अभी रिलीज हुआ है उसके बिहाइंड द सीन्स गली गैंग इंडिया के इंस्टाग्राम पेज ने डाले हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही डिवाइन फ्रंट रो के साथ में मिलकर सभी को मतलब कि रैप करना सिखा रहे हैं जिसमें कि और भी आर्टिस्ट हैं एमसी अल्ताफ डेविल एमसी हिम और भी बहुत सारे हैं। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमीवे की तरफ से। तो सबसे पहले तो एमीवे का जो राउंड 1 सॉन्ग है उसने स्पोटीफाई पर 1 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही एमीवे कहीं पर बाहर गए हुए हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली हुई हैं। तो ज्यादातर जब भी एमीवे कहीं बाहर जाते हैं तो शायद से वो मतलब कि उनके नए म्यूजिक वीडियो की शूटिंग लोकेशन देखने के लिए जाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज डाली हुई थी और उसके बाद उन्होंने उनका जो लोका वाला सॉन्ग है वो रिलीज किया हुआ था। तो हो सकता है वो अब नए किसी गाने की शूटिंग लोकेशन देखने के लिए गए हों। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।